भारत सरकार की लक्ष्य योजना के अंतर्गत जोनल अस्पताल धर्मशाला में सुविधाओं की असेसमेंट करने टीम धर्मशाला पहुंची। दो दिवसीय दौरे पर पहुंची टीम ने धर्मशाला अस्पताल में लक्ष्य योजना के मानकों के तहत सुविधाओं की असेसमेंट की। योजना के तहत टीम द्वारा प्रसूति कक्ष, ऑपरेशन थिएटर और प्रसूति संबंधी गहन देखभाल इकाइयों के अलावा अन्य व्यवस्थाओं की जाँच की जानी है। भारत सरकार के लक्ष्य योजना के अंतर्गत जोनल अस्पताल धर्मशाला में सुविधाओं की असेसमेंट करने टीम धर्मशाला पहुंची। दो दिवसीय दौरे पर पहुंची टीम ने धर्मशाला अस्पताल में लक्ष्य योजना के मानकों के तहत सुविधाओं के असेसमेंट की। योजना के तहत टीम द्वारा प्रसूति कक्ष, ऑपरेशन थिएटर और प्रसूति संबंधी गहन देखभाल इकाइयों के अलावा अन्य व्यवस्थाओं की जाँच की। टीम में शामिल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर कम्युनिकेशन की डायरेक्टर एवं नेशनल क्वालिटी असेसमेंट सिस्टम की एक्सटर्नल असेसर डॉक्टर इंदु अनेजा ने कहा कि वे यहां निरीक्षण नहीं बल्कि योजना के तहत सुविधाओं की असेसमेंट करने पहुंची हैं। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत सरकारी अस्पतालों और सुविधाओं में क्वालिटी सुधार की दिशा में कार्य करते हुए प्रमोट कर रहे हैं। जिस तरह से निजी अस्पतालों में क्वालिटी की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, उसी प्रकार सरकारी अस्पतालों को भी प्रोत्साहित करने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिससे कि मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित हो और देखभाल में कोई कमी ना हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर कम्युनिकेशन की डायरेक्टर डॉक्टर इंदु अरनेजा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पहले से ही अस्पतालों की चेकलिस्ट तैयार है। उसी लिस्ट के आधार पर टीम अस्पतालों को स्कोर करती है। चेकलिस्ट में टीम सदस्य अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं डाल सकते, क्योंकि लिस्ट पहले से डिफाइंड होती है तथा उस लिस्ट को ऑब्जर्व करते हुए स्कोर दिए जाते हैं। स्कोरिंग अच्छी आती है तो पता चलता है कि पैरामीटर को पूरा किया जा रहा है, और कमी रहती है तो पता चलता है कि किस एरिया में काम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं या जो फैसिलिटीज़ हैं उनको हम क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ प्रमोट कर रहे हैं, कि जिस तरह से प्राइवेट सेटअप में क्वालिटी पे बहुत ध्यान दिया जाता है, उसी तरह हम चाहते हैं कि सरकारी सेटअप में भी हम उन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि पेशेंट केयर अच्छी हो, पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर हो और केयर में कोई कमी ना हो। तो उसमें लक्ष्य एक प्रोग्राम है जिसमें कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो हॉस्पिटल्स में जहाँ लेबर रूम है और ऑपरेशन थिएटर है तो वो लक्ष्य के लिए अप्लाई करते हैं, और ये कंपलसरी है। अब जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सबके लिए कंपलसरी है कि वो लक्ष्य के स्टैंडर्ड्स को मीट करें। तो कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करे गए हैं, उन पैरामीटर्स के ऊपर उनको खरा उतरना है ताकि वो नीड जो चेकलिस्ट है जो उस पर पूछा गया उस पर वो फुलफिल करें। देखिए, मोर और लेस तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, कंसीडरिंग दी लिमिटेशंस कि जहाँ पे रिमोट एरियाज है या जहाँ पे फैसिलिटीज़ की कमी है या जहाँ पे इवन ट्रेनिंग की भी कमी है, लेकिन फिर भी आई वुड से कि थिंग्स आर चेंजिंग, इफ वी आर इन दी प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो परफेक्शन की तो मैं अभी नहीं वो करती, लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक अवेयरनेस आ जाए लोगों के बीच में कि विद इन द सेम फैसिलिटीज़ और विद इन द सेम लिमिटेड रिसोर्सेज हम कैसे सर्विसेज को बेटर कर सकते हैं। तो वो एक इनिशियल पर्पस तो मेरे ख्याल से ये है। तो कमियां तो हर एक में होंगी, आप में भी होंगी, मुझ में भी होंगी, एंड वी ऑल विल वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूविंग इट। और जो असेसमेंट भी जो हम कर रहे हैं, अगेन नॉट विद द आइडिया टू फाइंड फॉल्ट बट हेल्प देम अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन डू इट बेटर।